धनबाद के मटकुरिया घुरनी जोड़िया स्थित बीसीसीएल कॉलोनी निवासी चंद्रिका पासवान नित्य दिन की तरह मॉर्निंग वॉक कर अपने घर लौटे तो अपने क्वार्टर के सामने एक 1.5 फीट व्यास का गड्ढा देखा। उत्सुकतावश जब वो उसके करीब गए और अंदर देखा तो उनके होश ही उड़ गए। अंदर का डायमीटर काफी बड़ा था और गहराई भी बहुत अधिक थी। आनन फानन में लगभग 94 क्वार्टरों की पूरी कॉलोनी में दहशत फैल गई। साथ ही इसकी जानकारी बीसीसीएल प्रबंधन को दी गई। मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं तो सुबह निकले 5 बजे, उसके बाद में जब रिटर्न आते हैं तो देखते हैं कि गड्ढा है। नहीं होगा, मैंने चूंकि हम ध्यान नहीं दिए, केयर नहीं किए, हम सीधे निकल गए और उसके बाद में जब रिटर्निंग आते हैं तब देखते हैं कि मैंने यहाँ पर गड्ढा है तो देखे हम, तो देखे बहुत बड़ा गोप है। उसके बाद में फिर अपना घर में खबर किए, बाकी लोग को खबर किए, जहाँ मैनेजमेंट को भी सूचना हुई, उसके बाद में मैनेजमेंट के भी लोग आए हुए हैं। इस घटना के बाद सूचना पाकर पहुंची एरिया की रेस्क्यू टीम कॉलोनी पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। रेस्क्यू टीम के हेड के अनुसार गोफ की सूचना मिलने के बाद वे अपनी टीम के साथ यहां आए और गोफ का निरीक्षण किया। मैनेजमेंट जैसा बता रही है कि तो नॉन कोल बेरिंग एरिया है, तो सेफ जोन में था ये, अब पता नहीं ऐसे कैसे हो गया। मेरे को 6 बजे खबर हुआ मैनेजमेंट के द्वारा, तो मैं आया देखने के लिए, देखने तो आया हूँ, तो बस ये देखा हूँ, अभी आगे की कार्रवाई उन लोग जैसा दिशा निर्देश देंगे करूँगा। रेस्क्यू टीम के बुलावे पर जेसीबी भी कॉलोनी पहुंची और रेस्क्यू काम आरंभ कर दिया। जेसीबी के वहां काम शुरू करते ही छोटा सा दिखने वाला गोफ विकराल रूप धारण करने लगा। उसका मुहाना भी काफी बड़ा हो गया और गहराई भी काफी नजर आने लगी। इससे वहां के लोगों में भय व्याप्त हो गया। मौके पर पहुंचे एरिया सेफ्टी ऑफिसर और एरिया पर्यावरण अधिकारी ने चिंता जताई और आनन फानन में इलाके का भूमिगत नक्शा एरिया से मंगवाया ताकि वहां अंदर की स्थिति का सही आकलन हो सके। हालांकि इस दौरान अधिकारी गोल मटोल जवाब देकर बचते भी नजर आए। नहीं तो नीचे देखने से तो लग रहा है कि ना जो अपनी जो सबसाइड किया तो दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर धसा है, तो नीचे वर्किंग किया हुआ होगा। अब इसको हम सर्वेयर से पता करते हैं कि एग्जैक्ट क्या इसका सिचुएशन है और क्या इसका वर्किंग है, इसको तो पता करेंगे, सर्वेयर से पता करते हैं। हम एरिया एडमिनिस्ट्रेशन से पूरा बात करके इस बारे में बताएंगे। ठीक है जी, इस बारे में देखा तो थोड़ा सा खतरनाक तो लग रहा है देखने में, और हम एरिया एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके, अपने जीएम साहब से बात करके इसके बारे में कुछ बताएंगे। वहीं इस घटना के बाद लोगों में कंपनी के प्रति नाराजगी देखी गई। स्थानीय वार्ड पार्षद राकेश राम ने बीसीसीएल की लापरवाही को मुख्य जिम्मेवार बताया। तो बीसीसीएल गलत कर रहा है, इसको तो बालू भरना चाहिए, क्या कि मिट्टी भरने से ना और खतरा बढ़ा जा रहा है। अभी उनसे बात कर करके उनको बोला जाएगा कि भाई इसको मिट्टी ना भर करके बालू भरा जाए ताकि जो है इसमें फिर से ऐसा अनहोनी घटना ना घट सके। इसको अब तो विशेषल जांच का विषय, जांच करके देख ले कि इसमें क्या कितना दिक्कत है, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो यहाँ से लोगों को दूसरा जगह शिफ्ट किया जाए। बहरहाल ये घटना कोयलांचल को सिर्फ अपने मुनाफे के लिए पूरी तरह तहस नहस करने वाली बीसीसीएल की उदासीनता को दर्शाता है कि जब वह अपने कर्मियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है तो फिर आम आदमी का तो भगवान ही मालिक है। अब देखने वाली बात यह है कि इस कॉलोनी की और यहां रहने वालों का भविष्य क्या होगा। न्यूज़ 11 के लिए धनबाद से सहयोगी बंटी के साथ अरुण बर्नवाल की रिपोर्ट।